और भाई ये है ना जो ये भी मैंने बंद ऐसे मतलब ना ऊपर कर रखा था ये जैसे। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग, होप सभी लोग मस्त मजे में होंगे। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है और मेरे को अभी करने हैं काफ़ी सारे काम, जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले ही मैं बता देता हूँ आपको, अभी मैं आउट ऑफ एरिया जाने वाला हूँ तो उसकी भाई मेरे को तैयारी करनी है, थोड़ी प्रिपरेशिंग करनी है। तो भाई अभी उसी की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि जो कपड़े वगैरह है वो थोड़े धोने हैं और काफ़ी एक दो काम और करने हैं, सेविंग वगैरह भी भाई सेट करानी है, तो भाई वो सब भी करानी है। तो आज तो नहीं कराऊंगा सेविंग वगैरह सेट, वो अगले दिन में सेट कराऊंगा जाने से एक दिन पहले। तो भाई चलो अभी जो काम है वो करते हैं। तो भाई अभी इतने सारे कपड़े धोने हैं मेरे को और लाइट चली गई है, पता नहीं कि लाइट कितनी देर में आएगी। और भाई फ़ोन में बैटरी नहीं है और फ़ोन में बस 20% बैटरी है, ब्लॉग पता नहीं कैसे शूट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और भाई ये वाला फ़ोन चार्ज करने में ना थोड़ा समय लेता है, तो देखते जितना भी चार्ज होगा उतने से ही हम ब्लॉग शूट करेंगे। तो भाई अभी जस्ट लाइट आ चुकी है भाई, काफ़ी कम से कम 1-1.5 घंटा लाइट गई थी। तो अभी मैं धो रहा हूँ फटाफट से कपड़े और फिर मेरे को जो काम के लिए जाना है वो फटाफट करना है। अभी डाल लो मैं इसके अंदर कपड़े, जल्दी जल्दी से डाल दूँ, पता चला दोबारा लाइट चली गई। ये गए इसमें, ये लोअर भी गई, ये शर्ट भी गई, ये भी गई। ओ भाई ये वाला बैग तो रह गया, चलो इसको ना अभी बाद में जो पानी बचेगा ना उसमें धो दूँगा इसको। तो ओ भाई इसका पानी कहाँ चला गया भाई, पानी तो मैंने डाला था यार, ये पानी कहता छूट गया। वही जैसा मेरे साथ पहली बार हुआ भाई, मैंने पानी डाला उसमें पानी ख़त्म हो गया, पानी भाई सूख गए कपड़े। और जब मैंने पानी निकाला तो भाई बहुत सारा पानी निकला, फिर मैंने फटाफट से बंद कर दिया। अब मैंने दोबारा से उसके अंदर पानी डाला भाई, आपको मैंने दिखाया था व्लॉग में कि भाई कितना पानी था उस टाइम पर, पानी कैसे सूख गया भाई। भाई इसके अंदर मैंने देखो दोबारा से पानी डाला है, इतना ही पानी पहले था, पता नहीं कहाँ सूख गया भाई, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। और भाई ये है ना जो ये भी मैंने बंद ऐसे मतलब ना ऊपर कर रखा था, ये जैसा भी है ना, तो ये ऑफ है, अभी इसको नीचे कर दूंगा तो ये ऑन हो जाएगा, यहाँ से पानी निकलने लग जाएगा भाई, अगर इसको नीचे कर दूंगा तो पानी निकलने लग जाएगा सारा। तो इसको मैंने ऊपर रखा था इस वजह से ताकि पानी ना निकले, और फिर भी भाई निकल गया। तो भाई सोच रहा था आज भी 2-3 4 काम निपटा दूंगा, तो भाई लाइट की वजह से भाई कपड़े धोने भी ज़रूरी थे भाई, क्योंकि कहीं जाना है तो भाई कपड़े वपड़े चाहिए होंगे, तो कपड़े धोने भी भाई ज़रूरी थे। तो इस वजह से लाइट का वेट करते 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 भाई दोपहर हो गई, अब कपड़े धो रहा हूँ मैं, तो जो काम करने जाना था मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा अब। तो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम काम कर लेंगे, उसका भी मैं व्लॉग शूट करके ज़रूर दिखाऊँगा भाई, क्योंकि इससे भी भाई करवानी होगी और काफ़ी सारे काम करने हैं, तो वो सब मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगा। तो व्लॉग को भाई लास्ट तक जरूर देखा करें मेरे व्लॉग को, लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब भाई ज़रूर किया करो, आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में भी बताया करो, जो मिस्टेक हो भाई वो भी कमेंट में बताया करो कि भाई आपकी ये मिस्टेक है, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। अगर आप मेरी गलतियाँ नहीं बताओगे तो भाई मैं वो रिपीट करता रहूँगा और मुझे पता नहीं पड़ेगा मेरी गलती क्या है, क्योंकि गलती ना अपने को दिखाई नहीं देती, सामने वाले को दिखाई देती है हमेशा गलती। तो भाई आप मिस्टेक बताओगे मेरी तो मैं उस चीज़ को ज़रूर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो भाई लोग देखते रहे ऐसे ही, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और भाई ये वाला जो हेलमेट है ना, ये बाइक के साथ का हेलमेट है, और ये वाला बुलेट का हेलमेट है। तो भाई ये वाला जो हेलमेट है ना, ये वाला बुलेट वाला, ये बहुत हैवी हेलमेट है, और अगर इसके आगे मैं ये मोटो ब्लॉगिंग का लगा देता हूँ ना, तो भाई और भी ज़्यादा हैवी हो जाता है, पूरा आँख के आगे आ जाता है, ये हेलमेट दिखाई नहीं देता, इसको बार बार सेट करो। और ये थोड़ा हल्का हेलमेट है और ठीक फिट भी बैठता है मेरे सर में मोटो ब्लॉगिंग का, इसलिए मैंने इसमें मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। भाई ये है ना, मैं मार्केट से जाके लेके आया था काला हीट, तो
तो काफ़ी मच्छर मच्छर हो रहे थे ना अभी बीच में, तो अभी तो फिलहाल नहीं है। जब से ये रूम में मतलब लगाने लगे काला हिट है ये जो मच्छर को मारने, घर के भाई कोने कोने में अगर आप ये लगा देते हो ना तो मच्छर ना भाई सारे चले जाते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर आपको भी लाना हो तो भाई ले आना। इसका क्या प्राइस है? ये भाई 115 रुपये का एक पड़ा है। तो भाई मैं दो लेके आया था, एक तो खाली कर दिया मैंने और एक बचा है अभी, ये थोड़ा सा आधा सा रह गया है। तो ये भाई काफ़ी फ़ायदेमंद वाली चीज़ है, मच्छर ना इससे आते ही नहीं है भाई जल्दी से। एक बार अगर आप लगा लोगे ना पंखा वंखा बंद करके आप लगा देना भाई घर के कोने कोने में, तो भाई फिर मच्छर नहीं आएंगे जल्दी से, सब भग जाते हैं। और भाई देखो ये मैं स्प्रे लेके आया था अपनी बाइक के लिए, ब्लैक कलर का स्प्रे है, ऐसे कहीं जंग वगैरह लग जाती है या फिर कहीं से मतलब ख़राब सा लगता ना तो ये स्प्रे मार देता हूँ, तभी भाई मेरी बाइक इतनी चमचमाती रहती है। और भाई मेरे को ये अराउंड 100 रुपये के आसपास का पड़ा था। तो और भी कलर में ये अवेलेबल होते हैं, जैसे ब्लैक, चॉकलेटी या फिर वाइट में, हर कलर में आपको मिल जाएगा ये स्प्रे। तो भाई ये स्प्रे बढ़िया है, जिसको भी लेना हो तो भाई ये वाला स्प्रे लेना। और मैंने बहुत से मतलब मैंने देखे जैसे कि काम करवाने जाते हैं ना बाइक वगैरह का, गाड़ी का, तो वो लोग भी यही वाला स्प्रे यूज़ करते हैं। तो भाई आप अगर चाहो तो ये वाला स्प्रे आप यूज़ करना, बहुत अच्छा है। बाइक ना भाई जिसकी बाइक स्कूटी हो या जिस कलर की हो उसी कलर का आप लेना, और अगर आप ये स्प्रे कर देते हो ना सूखने के लिए छोड़ देते हो तो भाई गाड़ी एकदम नई जैसी लगती है। तो भाई इसलिए तुम्हारे भाई की गाड़ी नई जैसी लगती है और चमका के रखता है तुम्हारा भाई। इसका प्राइस पता नहीं कहाँ लिख, ये तो एक्सपायरी वगैरह रखा है, तो भाई इस प्राइस का पता नहीं मुझे कहाँ लिख, पता नहीं मुझे कहाँ लिखा होगा भाई इसका। तो मेरे को ये 100 रुपये का पड़ा था, आप चाहो तो आप भी भाई ले सकते हो। देखिए ग्रीन में, ऑरेंज में, ब्लू में, येलो में, पता नहीं कौन सा कलर है ये। तो भाई ये हर कलर में अवेलेबल होता है। और भाई आप जो ये मैट देख रहे हो ना, ये ना योगा मैट है, ये 4mm की मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, काफ़ी दिन हो गए भाई इसको मंगाए हुए, बट आज तक मैंने इस पे एक्सरसाइज एक बार भी नहीं की। तो भाई पता नहीं मंगाने का शौक है और चीज़ को यूज़ करने का शौक नहीं है, पता नहीं क्या। तो भाई ये 4mm का मैंने मंगाया था योगा मैट, अभी तक मैंने एक्सरसाइज की नहीं, तो सोच रहा हूँ मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँ एक्सरसाइज वगैरह करना, तो करेंगे वो भी, वो चीज़ भी आपको व्लॉग आ जाएगा उस चीज़ का भी। तो भाई मैं कभी भी कपड़े धोता हूँ ना 15-15 मिनट के 2 राउंड चलाता हूँ मैं, अभी ये दूसरा राउंड चालू कर दिया मैंने। तो गाइस अभी ना गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ने लगे कुछ दिनों से, तो भाई अभी ना मैं मटका लाने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं ना फ्रिज का पानी तो भाई पीता नहीं, काफ़ी टाइम हो गए फ्रिज का पानी पीता हूँ ना भाई, गले में दिक्कत आ जाती है मेरे, तो या तो मैं नॉर्मल सादा पानी पीता हूँ या फिर मटके का। तो मटके का भाई पानी ना अपनी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से होता है उसके अंदर पानी, तो भाई वो मटके का पानी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। मैं आपको भी जाऊँगा भाई मटके का पानी पिया करो, आप लोग भी भाई ज़्यादा ठंडा पानी मत पिया करो, क्योंकि आपको पता है एक तो भाई केस बढ़ रहे हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस, पता नहीं 1 लाख के आसपास केस हो गया अभी सुनने में आया था बीच में, और रेगुलर कुछ ना कुछ भाई होता रहता है, रेगुलर केस बढ़ते रहते हैं कोरोना के। तो भाई आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई मटके का पानी पिया करो भाई। देखो मानता हूँ फ्रिज तो भाई सबके घर में होता है, हमारे घर में भी फ्रिज है, लेकिन मेरे को मटके का पानी पसंद है, उसकी जो स्मेल होती है ना मिट्टी की स्मेल होती है और भाई मस्त लगती है, मतलब मटके की उसको मिट्टी की स्मेल अच्छी लगती है। तो भाई मैं तो अभी मटका लेने जाऊंगा ना, तो बड़ा थोड़ा बड़ा ले के आऊँगा मटका, तो भाई मटके का पानी पिया करूँगा मैं तो, गले में भाई दिक्कत हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठंडा पानी ना भाई पीना नहीं चाहिए, हम सोचते हैं ना भाई ठंडा पानी पीते हैं तो भाई हमें ठंडक मिलती है, उसको ना भाई आप अगर आप कभी कभी किसी डॉक्टर से आप पूछ के देखें ना, अगर हम ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं ना तो हमारे ना बॉडी के अंदर जब पानी जाता है हमारे पेट में, तो भाई उसको ना पचाने में काफ़ी दिक्कत होती है और बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हर चीज़ ना हमारे बॉडी के अंदर जब ही पचता भाई, जब हमारे बॉडी के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर मैच होता ना तभी भाई पानी से लेके जो भी आप खाते हो वो जब ही पचता है, आप कभी भी पूछ लेना किसी डॉक्टर से। और भाई मैंने एक ये भी लेके आया था मार्केट से, इसे बोलते हैं गोरिल्ला पॉड, ये होता है भाई व्लॉग करने का होता है, व्लॉग बनाते हैं इसको यूँ पकड़ के और ऊपर फ़ोन कनेक्ट कर देते हैं तो भाई इससे बनता है व्लॉग, बट मैंने इससे आज तक एक भी व्लॉग शूट नहीं किया, जितने ही मैंने व्लॉग शूट किए ना भाई हाथ से मतलब फ़ोन को पकड़ के शूट किए, पता नहीं मेरे को हाथ से पकड़ के क्यों, तब तक क्यों अच्छा लगता है हाथ से, हाथ में ना भाई सेफ्टी रहती है
और अगर हम इसको पकड़ के ब्लॉक शूट करते हैं ऊपर से कोई भी फ़ोन मतलब गिर जाए या कोई खींच के ले जाए तो उसका डर बना रहता है। हाथ पे भाई अपने हाथ पे मेरे को विश्वास है तो भाई इसलिए मैं हाथ से ब्लॉक शूट करता हूँ मैं ज़्यादातर, और सारे ब्लॉग मैंने हाथ से शूट किए हैं तो भाई स्टिक से तो मैं कभी ब्लॉक शूट ही नहीं किया मैंने। और वैसे ठीक है ये, ऊपर से बस इसका ये लूज़ हो गया थोड़ा सा, यूज़ भी नहीं किया तभी भी ये दिक्कत, ये ढीला है थोड़ा। तो गाइस कपड़े तो धुल गए, अभी बैग धोने डाल दिया मैंने और कपड़े अभी हो रहे हैं भाई ड्राई हो रहे हैं, मतलब सूख रहे हैं अभी कपड़े। तो गाइस कपड़े मैंने सारे धो दिए हैं, बैग भी धो दिया अपना। तो गाइस कपड़े मैंने धो दिया, अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं नहाने, नहा के फिर एक जगह जाना मेरे को, फिर चलते हैं वहाँ पे।